मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू आर वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। आज का आपका असाइनमेंट नंबर 69 12th आर्ट्स के अंदर हिंदी और इंग्लिश मीडियम का कॉमन टॉपिक है आपका ट्रेडिशंस ऑफ टाइटल्स। जो टाइटल्स दिए जाते थे, जो उपाधियां दी जाती थी मुगल साम्राज्य में, हम उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन इसी चीज को लेकर है, ट्रेडिशंस ऑफ टाइटल्स, गिफ्ट एंड पेशकश। यहाँ पे उन परंपराओं का जिक्र करना है जिस तरीके से उपाधियां दी जाती थी, उपहार दिए जाते थे, पेशकश प्रदान की जाती थी। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, एम्परर यूज टू अडॉप्ट ग्रैंड टाइटल्स एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन और आफ्टर ए विक्ट्री। सम्राट जब भी कभी राज तिलक या उसको राजगद्दी प्राप्त होती थी तो उस समय वह अपने आप को एक उपाधि प्रदान करता था, जैसे महाराजाधिराज, सम्राट, इस तरह की उपाधि। और अगर उसने कोई जीत दर्ज की है, किसी दूसरे सम्राट पे जीत दर्ज की है या पड़ोसी साम्राज्य को जीत लिया है और उसके राजपाट को अपने यहां पर मिला लिया है, तो उसके एवज में वह अपने उपाधियां ग्रहण करता था। इट वॉज अनाउंस्ड बाय यूसर्स। वहां पे यूसर्स होते थे जो नकीब कहलाते थे, उन लोगों के द्वारा अनाउंसमेंट की जाती थी, मुनादी की जाती थी, उसकी घोषणा की जाती थी। प्रोटोकॉल वर कैरीड ऑन द क्वाइंस, और इसके अलावा सिक्कों पे भी इसका वर्णन बहुत प्रॉपर तरीके से प्रोटोकॉल के जरिए होता था। इन सभी उपाधियों का जिक्र उसमें करते थे। गिविंग टाइटल्स वॉज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मुगल पॉलिटी। औरंगजेब गेव टाइटल ऑफ मिर्जा राजा टू हिज टॉप मोस्ट नोबल जय सिंह एंड जसवंत सिंह। यहां सबसे महत्वपूर्ण काम माना जाता था उपाधियां प्रदान करना, मुगल साम्राज्य की राजनीतिक गतिविधियों में सबसे महत्वपूर्ण मानते थे। औरंगजेब ने भी अपने दो सर्वोच्च अभिजात वर्ग के लोगों को, जिनमें एक का नाम जय सिंह और दूसरे का जसवंत सिंह था, उन दोनों को ही मिर्जा राजा की उपाधि से सम्मानित किया। ये औरंगजेब का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, मीर खान ऑफर 1 lakh टू बी एडिट टू हिज नेम टू चेंज इट टू अमीर खान। औरंगजेब के शासनकाल में ही मीर खान ने 1 lakh rupees अपने शासक को प्रदान किए ताकि उसके नाम के साथ, जो मीर खान से वह अमीर खान अपना नाम रखवाना चाहता था। तो इस तरीके से अगर कोई चेंजमेंट कराना चाह रहा है, खास तौर पे अभिजात वर्ग का व्यक्ति, तो उससे 1 lakh rupees इसी बाबत लिया गया। रिवार्ड्स इंक्लूडेड द रोब ऑफ ऑनर, खिलात, ए गारमेंट। कभी कभी उपाधियों के रूप में, पुरस्कारों के रूप में कपड़े भी दिए जाते थे, जैसे खिलात। खिलात भी एक गारमेंट होता था, पहने जाने वाला वस्त्र। सरापा वाज अनदर गिफ्ट, और सरापा पहनने जाने वाला ही वस्त्र यह भी। जो सरापा वस्त्र है, यह एक तरह से पूरे कंप्लीट बदन को ढक लेता है, इस तरह का कपड़ा होता है। हेड टू फिट, यानी पूरा ही सिर से और पैर तक इसमें ढक जाते हैं। दिस गिफ्ट हैड 3 parts, इस तरह के उपहार के 3 भाग होते थे। एक ट्यूनिक, उसको अंगरखा बोलते थे, टर्बन, पगड़ी होती थी, एंड ए सैस, और कमरबंद होता था। इसके बाद एम्परर यूज टू गिव द लोटस ब्लोशम सेट विद जेवल्स, पद्म मुराशा। इसके अलावा सम्राट अपने जो अच्छे दरबारी होते थे, अच्छे मंत्री लोग होते थे, अच्छे विश्वास पात्र लोगों को पद्म मुराशा से सम्मानित करता था, जिसमें क्या होता था, एक कमल के फूल को उपहारों और आभूषणों के साथ में उसे सम्मानित किया जाता था। नो कोर्टियर एवर अप्रोच द एम्परर एम्प्टी हैंडेड। कोई भी दरबारी सम्राट से अगर मिलता है तो खाली हाथ नहीं मिल सकता था, उसके पास में गिफ्ट होने चाहिए उपहार देने के लिए। स्मॉल अमाउंट, अगर उसने थोड़ी अमाउंट ले रखी अपने साथ में तो उसको नजर बोलते थे, लार्ज अमाउंट ले रखी है तो पेशकश बोलते थे। दोनों तरीके से हो सकता था, या तो नजराना या फिर पेशकश, दो तरीके से होता था। नजराना होता था कम पैसे, और जो पेशकश है वो ज्यादा अमाउंट देनी होती थी। गिफ्ट्स वर रिगार्डेड एज ए सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट एंड ऑनर इन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। राजनयिक संबंधों में एक राजा के द्वारा दूसरे राजा के आपस में संबंधों को एक तरह से परिभाषित करने के लिए ये सबसे अच्छा जरिया था, आपस में एक दूसरे को गिफ्ट वगैरह प्रदान करना। इससे दोनों के अच्छे संबंधों के का प्रमाण मिलता था। नेक्स्ट टॉपिक है, ग्रेटेस्ट एम्परर, एम्परर अकबर। हम क्यों मानते हैं उसे, अकबर को, इतना ज़्यादा ग्रेटेस्ट, क्या किया उसने ऐसा?
इसके अंदर बहुत सी उनकी उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला एक्सटेंडेड हिज एम्पायर, उसने अपने साम्राज्य को बहुत विस्तार दिया, उसने अपना साम्राज्य को हिंदू कुश पर्वत तक फैला दिया, उसने कलिंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया, गुजरात को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस तरीके से उसका साम्राज्य लगभग पूरे भारत में होता था। स्प्रेड फ्रंटियर्स, उसने अपनी सीमाओं को सभी क्षेत्रों के अंदर बढ़ा दिया। इसलिए जो पहले की जो सीमाएं थी, जो ऑलरेडी मुगल सम्राट की सीमाएं थी बाबर या हुमायूं के समय पर, उन्हीं सीमाओं को और आगे बढ़ा दिया, यानी सीमावर्ती क्षेत्र में भी विस्तार किया। स्टॉप द एक्सपेनिस्ट, जो एक्सपेनिस्ट थे जैसे उज्बेक और सफाविद शासक, सफाविद शासक ईरान से, उज्बेक लोग उज्बेकिस्तान से, उन्होंने हिंदू कुश पर्वत के पास में जो सीमा रेखा हमारे उस समय हिंदुस्तान की होती थी, तो उस हिंदुस्तान की सीमा रेखा पर इसने इतनी मजबूत एक तरह से किलेबंदी की व्यवस्था की, सेनाओं का पहरा वहाँ पे रखा, और युद्ध जितने भी इसको लड़ने पड़े वो लड़े, लेकिन उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। अगर ये मौका, अगर अकबर की जगह पे दूसरा कोई शासक होता तो डेफिनेटली वो अपनी सीमाएं बहुत ज़्यादा बढ़ा चुके होते। एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल साम्राज्य का जो प्रशासन है वो अकबर की देन मानी जाती है, जो केंद्रीय प्रशासन की व्यवस्था में केंद्रीय सर्वोच्च सत्ता उसके अपने हाथ में थी, जुडिशियल सिस्टम भी सर्वोच्च सत्ता उसके अपने हाथ में थी, इस तरह की व्यवस्था देने वाला वह शासक था। इसने हर तरीके से, जैसे मंत्रिपरिषद का गठन करना, जैसे कि आज के समय प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद काम करती है, ठीक उसी तरीके से इसने काम किया, यानी प्रशासन की एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ के रखा, कोऑर्डिनेशन बना के रखा, और इसके अलावा इसने मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया, और इसके अलावा इन्होंने जैसे कि खास तौर पे मनसबदारी का जो लाभ है, मनसबदारी के अंदर सबसे बड़ा लाभ था कि जो बहुत ज़्यादा ग्रांट पहले या ज़मीनें मुफ्त में जागीरों के रूप में जागीरदारों को देनी पड़ती थी, अब उन्हें नहीं देनी पड़ रही थी। इसके अलावा दूसरा फायदा जो था मनसबदारी का, उसमें जो व्यर्थ में जो पैसा चला जाता था जागीरदारों को देने में, और वो धोखा दे करके मुकर जाते थे, आप धोखा नहीं दे सकता था मनसबदार, और उसको सस्पेंड भी किया जा सकता था, उसको ट्रांसफ़र भी किया जा सकता था, और उसको मन चाहे तब बुलाया जा सकता था, उसकी निर्धारित वेतन था वो उसको देना होता था, इसलिए पारदर्शिता थी इस तरह के संबंधों में। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और क्या हो सकता है कि एक न्याय प्रक्रिया बहुत अच्छी थी, समाज के अंदर प्रत्येक वर्ग को संतुष्ट किया जाता था, विभिन्न धर्मों के लोगों को संतुष्ट करने के लिए उसने तीर्थ कर और जजिया कर दोनों को समाप्त कर दिया, इसलिए उसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा समझा जाता है। जुडिशियल के अंदर सर्वोच्च न्यायिक शक्ति उसके अपने हाथ में, उसके नीचे मुख्य काजी भी होता था, और मुख्य काजी बहुत से फैसले खुद अपने आप भी ले लेता था, और अगर उसे कोई डाउट है तो वो राजा से उसके बारे में सलाह ले सकता है, राजा भी उनसे सलाह ले सकता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नंबर थर्ड, अकबर वाज लिबरल रूलर, अकबर एक उदारवादी शासक था, एक लचीला व्यवहार वाला शासक था, एक उदार हृदय इंसान था। वो कैसे, इन निम्नलिखित बातों से हम उसको प्रमाणित कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एस्टेब्लिशिंग मैरिटल रिलेशंस, उसने अपने गैर मुस्लिम जो समाज था उसके साथ भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जैसे कि आम्बेर के राजा बारमल की बेटी से उसने अपना संबंध जोड़ा, वैवाहिक संबंध जोड़ा, जोधाबाई से उन्होंने अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, और इस तरीके से उसने जो राजपूत उनके पहले दुश्मन होते थे अब राजपूतों को अपने पक्ष में कर लिया, लाखों की संख्या में विभिन्न धर्मों के लोग उनके पक्ष में आ गए, हिंदू धर्म के लोग भी लाखों की संख्या में उसके पक्ष में आ गए, इसलिए शासन प्रशासन करना बहुत आसान हो गया, और जब भी कभी वो अभियान सैन्य अभियान करने जाता था तो राजपूत उसको युद्ध में बहुत बड़ी मदद दिलाते थे, युद्ध में जीतने में मदद करते थे, इस तरीके से पूरे साम्राज्य को एकजुट रखने में और पूरे साम्राज्य के अंदर एक छत्र राज चलाने में उसको हिंदुओं का योगदान बहुत प्रभावी रहा। अपॉइंटमेंट्स ऑफ हिंदू, उसने हिंदुओं को खुश करने के लिए बड़े बड़े पदों पर नियुक्त करना शुरू किया, इससे हिंदुओं में भी एक विश्वास बहाली हुई कि ये सम्राट भी हमारा भला चाहता है और हमारे धर्म को चाहता है। उसने तीर्थ कर जजिया कर समाप्त करके इस चीज़ को प्रमाणित भी किया, और इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को, जैसे कि बीरबल का नाम जो कि एक हिंदू समुदाय से था, उसको भी अपने दरबार के अंदर प्रमुख मंत्रियों के अंदर उसने अपने यहाँ पे उसको जगह दी। इसके अलावा
रिलीजियंस फ्रीडम, उसने सभी धर्म के लोगों को पूरी पूरी छूट दे रखी थी कि सभी अपने 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 धर्म के अनुसार अपने रिवाजों का पालन करें, अपनी परंपराओं को, धार्मिक परंपराओं को निभाएं, किसी को भी अपने धर्म से संबंधित, जैसे किसी को मंदिर बनाना है या मंदिर टूट गया है उसको दोबारा से रिपेयर करना है या फिर नया मंदिर की स्थापना करनी है, तो इस संबंध में ग्रांट मांग सकता था। और अकबर ने बहुत से लोगों को या अकबर के अलावा अन्य शासकों ने भी ऐसी ग्रांटें जारी की जो कि मतलब सभी लोगों को इस तरह के अनुदान दिए गए, सभी धर्मों के लोगों को दिए गए। ये इससे धर्मनिरपेक्षता की बात सामने आई, भाईचारे की भावना सामने आई और विश्व बंधुत्व वाली जो भावना है वो भी सामने आई। इसके अलावा दीन इलाही, उसने विभिन्न धर्मों के बीच जो कटुता है उसको समाप्त करने के लिए एक ऐसा धर्म चलाया जो विभिन्न धर्मों का एक जो मतलब मुख्य निचोड़ है, उनका जो निष्कर्ष है, उनके सभी सिद्धांत, उनके नैतिक जो निर्देश थे, उन्होंने दीन इलाही धर्म के अंदर स्थापित किए और 1582 में इसको इंडिया में किया। लेकिन भारत में अकबर ने खुद इसको आम जनता तक पहुंचाने में इतना सक्रिय भूमिका नहीं निभाई, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हुआ। इस धर्म के अंदर इस तरह की परंपरा थी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सम्मान करने के लिए अल्लाहू अकबर का नाम बुलाता था और इसके अलावा इसमें अल्लाह को सर्वोच्च शक्ति सत्ता माना गया और उसके अधीन उसका सर्वोच्च श्रद्धालु अकबर को माना गया। इसके बाद हम इसको एक बार रिवाइज कर देते हैं। पहला आपका टॉपिक है ट्रेडिशन ऑफ टाइटल्स, गिफ्ट्स एंड पेशकश। इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर बताया गया है कि सम्राट एक कवि जैसे राज तिलक ग्रहण कर रहा है या राज सिंहासन पे बैठ रहा है या कोई बड़ी जीत हासिल कर रहा है, उस दौरान वह अपनी उपाधि अपने नाम के साथ में जोड़ता था, सरनेम जोड़ता था। इसके बाद आगे इसमें बताया गया कि उशर लोग इसमें अनाउंस करते थे, जैसे कि मुनादी करते थे, नकीब भी ने कहा जाता था और इसकी प्रोटोकॉल को सिक्कों पर वर्णित किया जाता था। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका गिविंग टाइटल्स वाज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि मुगल साम्राज्य के अंदर राजनीतिक गतिविधियों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था उपाधियां प्रदान करना। औरंगजेब ने भी अपने दो सबसे सर्वोच्च अभिजात वर्ग के लोगों को जयसिंह और जसवंत सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि से अलंकृत किया। मीर खान ने 1,00,000 रुपये देकर के अपने नाम की करेक्शन को, यानी पहले मीर खान था उसके बाद अमीर खान, उसने सिर्फ लेटर ए जोड़ने के लिए उसने 1,00,000 रुपये उसको देने पड़े। इस तरह की व्यवस्था मुगल सम्राट के दरबार में थी। इसके बाद रिवार्ड्स के अंदर ये बताया गया है कि ये खिलात के रूप में, सरापा के रूप में कपड़े प्रदान किए जाते थे जो कि वस्त्र होते थे पहनने के। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती थी, खासतौर पर एक जैसे अंगरखा और एक पगड़ी और एक कमरबंद होता था। इसके अलावा सम्राट क्या करते थे, एक लोटस देते थे, कमल का फूल देते थे, उसके साथ साथ कुछ आभूषण देते थे और उन्हें पद्म मुराशा का नाम दिया जाता था। इसके अलावा इसमें कोई भी कोर्टियर या दरबारी व्यक्ति खाली हाथ राजा से नहीं मिल सकता था। छोटी अमाउंट लेके जाता है तो नज़र के रूप में भेंट करेगा, बड़ी अमाउंट लेके जाता है तो पेशकश के रूप में वो भेंट करेगा। इसमें गिफ्ट किसी भी व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं तो वो सम्मान और प्रतिष्ठा की बात समझी जाती थी। इसमें एक राज्य से दूसरे राज्य के राजनयिक जब भी कभी आते थे, जैसे मुगल दरबार से बाहर जाने वाले राजनयिक और मुगल दरबार के अंदर दूसरे क्षेत्रों से आने वाले राजनयिक, वे भी गिफ्ट आपस में एक दूसरे का आदान प्रदान करते थे और उनको गिफ्ट दिए जाते थे, जो बाहर से आता था उसको गिफ्ट मिलते थे। टॉपिक नंबर सेकेंड, इसके अंदर अकबर को इतना ज़्यादा महानतम शासक क्यों माना जाता है, क्योंकि उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और हर दिशा के अंदर उसने अपने साम्राज्य को बहुत ज़्यादा विस्तारित किया। स्प्रेड फ्रॉन्टियर्स, उसने अपनी सीमाओं को बढ़ाया और स्टॉप द एक्सपेंशन, उसने बाहर से होने वाले जो अतिक्रमण थे या सीमाई क्षेत्र, सीमा के क्षेत्र में जो चुनौतियां थी उन चुनौतियों को समाप्त किया, खासतौर पे उज़्बेक लोगों की चुनौती और दूसरी चुनौती हम मान सकते हैं सफावी शासक जो ईरान के थे। और एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने एक बहुत ही मतलब बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन दिया जो कि कंप्लीट मुगल प्रशासन के दौरान हमेशा लागू रहा। और अकबर ने इसे तीसरे टॉपिक के अंदर, उसको उदारवादी शासक क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसने हिंदू समुदाय के लोगों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिसका उदाहरण अंबेर के राजा की बेटी के साथ, बारमल की बेटी के साथ में उन्होंने शादी की। और दूसरा है हिंदू लोगों के को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया और सभी धर्म के लोगों को स्वतंत्रता प्रदान की, दीन ए इलाही धर्म का प्रचालन किया। इस तरीके से आपके तीनों टॉपिक कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद।
इसमें आपके ये दोनों टॉपिक है, इनको फिर एक बार से हम रिवाइज कराना चाहते हैं। टॉपिक नंबर सेकंड जो है ग्रेटेस्ट एम्परर अकबर के बारे में बताता है। इसके अंदर एक्सपेंडेड हिज एम्पायर, उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किस तरीके से किया। उसके पास एक बहुत बड़ी सेना थी, उसने जितने भी उसको, वो एक बहुत बड़ा कूटनीतिक शासक था, विभिन्न धर्मों के लोगों को संतुष्ट कर लिया, विभिन्न राजाओं को अपने साथ में जोड़ लिया। जैसे कि राजस्थान के राजा हमेशा उसको सपोर्ट करते थे, खास तौर पर राजपूत शासक उसको सपोर्ट करते थे, और इस तरीके से उसकी नीतियाँ जो थी वो सभी शासकों को पसंद आने लगी। स्प्रेड फ्रंटियर्स, उसने हर क्षेत्र के अंदर अपनी मतलब सीमाओं को बढ़ाने की कोशिश की, और कुछ हद तक वो बहुत कामयाब भी हो गया। जैसे कि उड़ीसा उस समय जो है इस क्षेत्र के अंदर कई जगह की चुनौतियां उसे मिलती रहती थी, उन चुनौतियों को सबको उसने दबा दिया। साउथ के अंदर कहीं कहीं विद्रोह होते थे, उन विद्रोहों को उसने दबा दिया। इसके अलावा ईरान और जो उज़्बेक लोगों का जो अतिक्रमण होता रहता था सीमा पर, उसको भी कंट्रोल किया गया। तो अकबर ने पूरी तरीके से, अगर हम देखें कि राजस्थान का जो इतिहास अगर हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर साफ बताया गया कि राजस्थान के अंदर काफ़ी बहुत अधिक रियासतें होती थी, उन सब रियासतों को अपने कूटनीतिक जो तरीके थे उन्होंने उन्हें मनाया, और कुछ जो नहीं माने उनके खिलाफ सैन्य अभियान आयोजित किया। इस तरीके से उन्होंने अपने जो फ्रंटियर्स थे, सीमा क्षेत्र थे, वो बढ़ा लिए। स्टॉप द एक्सपेंस्ट, जो भी बाहर से अतिक्रमण करता था या बाहर से कोई बड़ा हमले की योजना बना रहा था, उसकी योजना को पहले ही भांप लेता था और उसको कंट्रोल करने के लिए वो आगे निकल पड़ता था। इसलिए किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी कि अकबर पर हाथ डाला जाए या मुगल साम्राज्य के दौरान भारत पर हाथ डाला जाए। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो प्रशासनिक व्यवस्था है, केंद्रीय सत्ता सर्वोच्च इकाई के रूप में सम्राट होता था, और सम्राट के नीचे जैसे केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती थी, मंत्रिपरिषद को हर काम सम्राट से पूछ करके करना होता था, और इसके अलावा जैसे कि कुछ छोटे परगना होते थे, परगना से ऊपर छोटे जो हैं, परगना से अपर लेवल होता था डिस्ट्रिक्ट्स का, और डिस्ट्रिक्ट से ऊपर और जैसे वृहत योजना के तहत बड़े क्षेत्र आते थे। इसके अंदर सारा जो कंट्रोल सिस्टम था वो कंप्लीट इनके हाथ में रहता था, अकबर के हाथ में, और अकबर जो चाहता था वही होता था। उसको किसी तरह से कोई मतलब पूछने की या किसी से दबने की कोई उसे ज़रूरत नहीं थी। वो एक तरह से निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासक था, लेकिन उसने कभी भी अपनी निरंकुशता को और स्वेच्छाचारी ताको कि किसी के खिलाफ यूज नहीं किया, इसलिए उसको उदारवादी और एक अच्छा शासक माना जाता है। न्यायविद के तरीके से अगर हम देखें तो अकबर भी एक बहुत अच्छा न्यायविद था, और जहांगीर भी बहुत अच्छा न्यायविद था। इसके बाद जो टॉपिक नंबर थर्ड है, अकबर एक लिबरल रूलर कैसे था, उदार शासक कैसे था, उसका हृदय बहुत ही मतलब मर्मस्पर्शी कैसे था। वह दुखपूर्ण हालातों से पिघल जाता था, क्योंकि उसकी मदर का नेचर भी इसी तरह का था, वो सिया समुदाय से संबंधित थी, और उनके पूरा उनके नेचर पे प्रभाव रहा, उनके अध्यापकों का, उनके संरक्षकों का प्रभाव भी उस पे पूरी तरह से रहा। एस्टेब्लिशिंग मैरिटल रिलेशंस, उसने क्या किया, हिंदू समुदाय के लोगों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिससे उसकी शक्ति और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि उनकी सपोर्ट उनके साथ आ गई। और अगर वह अपने धर्म के अंदर कट्टरता बना के रखता, दूसरे धर्म को अनादर करता, तो शायद अकबर के लिए चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती और वो कंट्रोल नहीं हो पाती। अपॉइंटमेंट ऑफ हिंदूज, उसने हिंदू समुदाय के लोगों को खुश करने के लिए, अपने साथ जोड़ने के लिए बड़े पदों पर नियुक्त किया, ताकि वो उनके साथ सपोर्ट करें, विपरीत परिस्थितियों में उनकी सपोर्ट करें, और उनकी ये नीति बहुत हद तक कामयाब रह पाई। इसके बाद नेक्स्ट है रिलीजियस फ्रीडम, और सभी धर्म के लोगों को अपने अपने रिवाज, अपने धर्म के अनुसार अनुपालन करने के लिए पूरी पूरी छूट दे दी। कोई किसी पे कोई प्रेशर नहीं दिया गया, किसी लालच नहीं दिया गया, और यहाँ तक कि मौलवी और जो मुल्ला लोग होते थे, जो धार्मिक रूप से जैसे मुस्लिम लोगों से जुड़े रहते थे, उनको भी उसने बहुत ज़्यादा वरीयता या प्रमुखता प्रदान नहीं की। और दीन ए इलाही एक नया धर्म उसने इसलिए चलाया, क्योंकि जो विवाद में पड़े रहते थे लोग, एक धर्म से दूसरे धर्म के लोग नफरत करते थे, तो उनकी नफरत को मिटाने के लिए उनके जो निचोड़ है उसको एक जगह, उसने उन नीतियों को, उन नैतिक निर्देशों को एक जगह ला करके सबको संतुष्ट करने का प्रयास किया, और उसके अंदर अल्लाह को सर्वोच्च माना, और उनके जो नीचे एक तरह से सबसे बड़ा श्रद्धालु के रूप में अकबर ने अपने आप को प्रदर्शित किया। धन्यवाद।